हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। सो व्लॉग शुरू हो रहा है। आज है फर्स्ट जून है। सो व्लॉग शुरू कर रही हूँ एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मेरे लिए भी था। सो कल परवेश गए थे देहरादून किसी काम से, तो काम होने के बाद रास्ते में आता है मेरा घर, तो वो घर पे गए चले गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने बोला कि घर पे रुक जाना, बट सरप्राइज ये है कि वो आए और मम्मी को साथ में लेके आए। तो मम्मी मेरी शादी के बाद पहली बार रुकने आई है, वो भी एक दो दिन के लिए मुश्किल से। पर वो भी प्रवेश के कहने पे, मेरे कहने पे तो नहीं आती। प्रवेश उनको ले आए बिठा के कि नहीं, हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग ट्रिप पे जाएंगे तो वापस उसी साइड जाना है, तो आपको मैं छोड़ जाऊँगा। तो मम्मी इस बात पर एग्री हो गई और एक दो दिन के लिए आई हैं। सो मिलवाती हूँ आप लोगों को। प्रवेश के कहने पे एटलीस्ट मम्मी आ गई, क्योंकि उन्हें उनकी बात एग्री कर ली। मेरे कहने से दुबई नहीं आ रही थी इतने टाइम से, एंड ये पहली बार आई हैं ऐसे रुकने और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपका मम्मी ज़रूर बताना कि आपको सरप्राइज़ कैसा लगा। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आ जाए। एंड पूरा दिन आज जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, और खुशी दिख रही होगी चेहरे पे। यार होती है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कांट वो कहते हैं ना कि शब्द बयां नहीं कर सकते। एंड बस अभी बनाऊंगी लंच में बनाऊंगी आज कढ़ी चावल, एंड जो भी ये करूंगी आज पूरा दिन वो आप लोगों से शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आने वाला होगा। सब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ मैंने राइस जो है भिगो के छोड़ दिए, फिर अच्छे बनेंगे। सो यहाँ पे ले लिया मैंने प्याज, तो इनकी करते हैं कटाई चटाई और फिर बनाते हैं कढ़ी। हाँ, मैंने बना दी है गर्मा गर्म कढ़ी, बनाऊंगी मैं मटर राइस। सो लंच में तो आज मज़ा आने वाला है, मेरी यम्मी सी कढ़ी बन के रेडी है। अभी मैं ज़्यादा उठा के नहीं दिखाऊँ, गर्म रहेगी। यहाँ बन गई जीरा राइस और ये मैं अब तैयारी कर रही हूँ। बेटर है ये चिल्ले के लिए, मूंग की दाल के चिल्ले। सुबह जब इसमें मिक्स करूंगी मसाले थोड़े से। उठी तब धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, और अब फिर से वो देख रहे हो यहाँ आंधी चल गई और बारिश का मौसम है और फोगी सा हो रहा है। डोंट नो क्यों, एयर पोल्यूशन से है या पता नहीं किस चीज़ का, मतलब स्मोकी सा हो रखा है दो तीन दिन से। ये दिख रहा है अभी 9 बजे हैं और मतलब कैसा वेदर है, अजीब सा। मम्मी उठ के आ गई है, नींद कैसी आई? इतना सरप्राइज दिया, और धूप निकल रही थी ना सुबह। अब देखो आंधी से चल रही है, चलो नीचे चलेंगे ना। मैं आपकी चाय बना दूं पहले एक कप, मम्मी को पिलाते हैं चाय और इतने मम्मी फ्रेश होंगी फिर चलेंगे नीचे घूमने। वीडियो बनाने लगी मैं और स्पेस हो गया फुल। इतने दिया खाने के लिए, यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाद में मम्मी प्रूफ है और दिख रहा है, बता दे। चट कर गए हो, गाल पे चढ़ रहा है वो, बिन चढ़ी ये भर के दिया था। ये भी देख लो इतना सा बचा है, झूठ बोल रहे हो। चटनी दिया ये री, और ये पैक, ये भी नहीं, ये भी आपका भी नहीं होगा ले जाने वाला भी, इसमें भी चटनी है। कोई बात नहीं, तो ये चटनी का राज तो फिर सबको बताना पड़ेगा, कितने गाल चढ़ जाते हैं चटनी खा खा के। तो चढ़ रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे परवेश बैग भर के, पैसों का बैग है भर के लेके जा रहे हैं हम। क्या करने जा रहे हैं? बाहर हो रही है अच्छी खासी बारिश, मम्मी जा रही है गाड़ी देखने, तो अब मम्मी को दिखाते हैं गाड़ी थार, क्योंकि मम्मी ने अब तक देखी नहीं है। देखते हैं इनके रिएक्शन कैसे होंगे। बकर कैसा सा उड़ा ले आ रहा है आपको?
मतलब मम्मी का कोई था ही नहीं आने का, प्रदेश ने कहा भाई जाना है जाना है जाना, गाड़ी में बैठो। तो चलो सरप्राइज कभी कभी तो बढ़िया होता है। तो प्रवेश तो जा रहे हैं ऑफिस, अब हम गाड़ी देखने चलेंगे। बाय। किस टाइम आओगे? हैं कैसी लग रही है? बढ़िया मस्त। बाकी बैठ के पता चलेगा ना, बाकी मिट्टी तो बारिश भी तो हो रही है। पर यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म चिल्ले मूंग दाल के, और उधर मम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सोच रही हूँ मैंने बनाना सीख लिया खाना। मस्त मस्त बिल्कुल। नहीं ये रुक जाओ, यहाँ मैं बना रही हूँ, ये कैसे यकीन आ रहा है कि मैंने बना के खिला दिया? चमत्कार जिम्मेदारियाँ सब सिखा दे। चलो खा लो। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मम्मी मैं एंड प्रवेश एंड ड्राइवर नहीं है, खुद ही बोले जा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। सो मिलते हैं, जो भी वहाँ करेंगे जो भी खरीदेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। अब हम पहुँचने वाले हैं अपने जहाँ हमें जाना था मॉल में, और व्यू आप देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहा है स्काई। मैं जूम करके दिखाती हूँ, है ना प्रवेश? अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टेशन पे आ गई हूँ लग रहा है। तो जाना कैंसिल, यही देख लेते हैं ना मम्मी, अच्छा लग रहा है ना। पहुंच गए हैं अपने, आप जो हमें लंबे टाइम से देख रहे हैं, वेगस में हम बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमारे घर के पास है और यहाँ आते हुए हमें ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, सो हम वेगस में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे मम्मी शॉपिंग करके बैठी हैं, मेरे भी हैं इसमें, मम्मी की है, प्रवेश जा रहे हैं ट्राई करने, तो लास्ट में सबसे प्रवेश का रहता है। और टाइम लगभग हम लोगों को 10 बज गए, स्टिल हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आया आपको आज? मज़ा। तो यहाँ पर प्रवेश स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं लेने में कि क्या लेना है। मम्मी बेचारे, वाइट भी अच्छा लगेगा, वाइट ले लो, ब्लैक से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वाइट है उसमें। सो फाइनली प्रवेश यहाँ आके बैठ गए, इतने दुखी क्यों बैठे? क्या हुआ? अच्छा 4 की है, 4,000 की टी शर्ट है? नहीं, उसमें क्या लगा हुआ है? नहीं यार, कॉलेज वाले तो कहाँ पहनेंगे सुशु, कौन पहनते हैं? कमाने वाले, कमाने वाले। तो यहाँ पे प्रवेश शूज पहन के खड़े हो गए जिनकी कीमत है 16,000, जिसे देख के मेरे पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब दिल से बता, मतलब अच्छा लग रहा है बट 16,000 सुन के थोड़ा सोचने पड़ जाऊंगी, 5-6-7 तक हुई हो तो भी बंदा सोचे लेने की। डबल सो बल करा रहे हैं प्रवेश यहाँ पे। ले ली, ले ली क्या आपने जूते? और क्या लिया, कितना का कबाड़ा करा, जल्दी बोलो। ओ तेरी सच में, कमर में बताओ क्या ये सही हरकतें हैं? मैं बोल रही नहीं है मम्मी कह रही है भैया को तुमने अपनी बातों में लगा लगा के। प्रवेश शॉपिंग देख लो ये कितनी ज्यादा वो सारे सबसे महंगे कपड़े वहीं रखे होंगे। वो जूता भी आया है 4-6 दिन हुए। अब तो बिल बन गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। देखो तो ये शॉपिंग बात, इतने बारिश बरकम जूते ले लिए, खाने की क्या जरूरत है? आप ही पूछ रहे थे खाओगे कि कुछ, मेरा टॉप रह गया वहाँ से एक। स्टोर आप देख रहे हो खाली हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रवेश लगे पड़े हैं शॉपिंग करने में। तो अब हम आए हैं डिनर पे, टाइम हो गया, ये आपको देख रहे होंगे कैसे थक गए हो ना आप, ये आई है खाने के लिए जिसमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, मैं कह रही हूँ कुछ भी दे जाओ भाई, बट इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है। सो मैं तो ये खाता हूँ कुछ और नहीं मिल रहा था, और ये भी खा सकते हैं बट मैं नहीं खा सकती हूँ। सो मम्मी कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया बिल्कुल, मज़ा आया, फर्स्ट क्लास। बट आपको महंगाई ज़्यादा लगी है? हाँ
आप बोलो। एक चीज हमने ली अलग नहीं है क्या बताओ? बट ये मेरा भी मानना है मम्मी कि मतलब रोज रोज करके तो नाश करना है, बट हाँ साल में एक दो बार कर लो तो एक दो बार तो चलती है ना, कभी कभी लेते हैं हमें। इस बंदे को देख लो कैसे खा रही है, प्याज लग भी पड़े। तो आ गया मम्मी का खाना, यहाँ है दाल मखनी रायता, ये क्या है कौन सा पनीर है, कढ़ाई पनीर, मिस्सी रोटी एंड लच्छा पराठा। और अब हम पेट ना करते हुए फटाफट खा रहे हैं। तो कल क्या हुआ, हम लोगों के दोनों के फोन हो गए बंद, व्लॉगिंग फोन ही बंद हो गए तो व्लॉगिंग कैसे करते। और इतनी भयानक वाली शॉपिंग हुई ना कि मतलब करने गए थे इतनी और पता नहीं क्या ही हो गया। मतलब लेके गए थे वैसे मम्मी को और ना सुटाया परवेश ने। तो मैं सोच रही हूँ आज ये यहाँ सारे शॉपिंग बैग हैं, अभी जस्ट हम तीनों उठे हैं क्योंकि हम इतने थक गए, मतलब 12 बज गए हमें, मॉल वाले दुकान ने बंद करके चले गए तब हम निकल के चले। और ऐसा भी नहीं कि हम पूरे में भाई घूमे फिर रहे हैं या कुछ, एक दो शॉप में घुसे उसमें इतना टाइम लग गया। और कुछ हमने अनएक्सपेक्टेड चीजें परवेश ने शॉपिंग कर ली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये इतने सारे बैग हैं और मैं सोच रही हूँ आपको सब चीजें दिखाऊं। तो सबसे पहले परवेश की चीजें दिखाते हैं। परवेश को तो गलत गाइड कर दिया ये दिवाली है। किसने किसने गाइड करा मम्मी, खुद लाए ना। सो परवेश लेकर आए हैं ये शूज। तो शूज तो कोई इतनी छोटी बात, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट शूज के पैसे बड़ी बात है। आप देख दिखाओ ना, ये दिख रहा है, ये MRP है। तो हमने तो गई थी इतने महंगे शूज लेना, किसने बताया? महंगे नहीं वो, अच्छे नहीं लग रहे। हाँ तो अब आपका डिसीजन है वो। तो चलो ये डिसाइड करते रहेंगे इन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। बाकी अपने कपड़े भी दिखाएंगे साथ में क्या क्या लेकर आए। जल्दी जल्दी दिखाना शुरू करो, ये वाले बैग में आपके कपड़े। एक कपड़े हैं यहाँ पे जिसमें ये टी शर्ट, ये जोगर, एक ये वाला जोगर, एक ये वाला टी शर्ट और ये इसमें मेरे हैं, ये मेरी जीन्स, ये मम्मी के कुर्ता, एक ये वाला और बाकी इसमें मेरे कपड़े हैं, वो आपको मैं दिखती रहूंगी आगे वीडियोस में। हाँ सॉरी। और एक ये वाला बैग और एक ये वाला मेरा शर्ट और एक ये वाला हम दोनों का सेम जो है। अभी हमारी इसमें वो चल रही है कि कौन सा लेगा, बट दो कलर ले आए हम। जो ये टी शर्ट लेगा वो ये लेगा। कौन सा मतलब?